अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करें लाइब्रेरी के पास से। अभी मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी में, और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि वैसे आप लोगों को नहीं पता, मुझे पता है कि क्या बोला तूने, स्ट्रेटेजिक फाइनेंस की 3 केस स्टडीज़ थी। एक तो मैंने की हुई है, 2 पेंडिंग है। तो अभी हम लाइब्रेरी चलते हैं और उनको कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि उनका एनालिसिस जो है वो देना है क्लास में। और जाहिर सी बात है, पहले सारा केस स्टडी को पढ़ना पड़ेगा कि क्या मुसीबत है उसके अंदर। खैर, ये फाइनेंस वगैरह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। और लेकिन अब क्या करें, जब कोई सब्जेक्ट आ जाता है तो करना तो पड़ता है ना, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। तो स्ट्रेटेजिक फाइनेंस बहुत ही बेकार सब्जेक्ट है हमारा, समझ रहे हो, इस सेमेस्टर का। बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे हैं लेकिन स्ट्रेटेजिक फाइनेंस कुछ ज़्यादा टफ भी है, और थोड़ा मुझे लगता है, क्योंकि हाँ मुझे लगता है, लेकिन वैसे तो सही है, बाकी लोगों को तो अच्छा लग रहा था लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। खैर, उसकी केस स्टडीज़ हैं 3, लास्ट टाइम भी थी 2, और अभी जो 3 है ना उनमें से एक तो मैंने की हुई है, 2 करनी है। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी लाइब्रेरी चलते हैं और उनका जो पेंडिंग टास्क है उसको कंप्लीट करते हैं। एज़ यू ऑल नो कि लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा पीसफुल होती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पीसफुल इन्वायरमेंट, मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर, अभी चलते हैं हम लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में थी तो यहाँ पे ना एक जिस टेबल में बैठी ना, वहाँ मुझे ये बुक नज़र आई, साइकोलॉजी फॉर लिविंग। और ना मैं इसके चैप्टर्स देख रही थी, मुझे वाला चैप्टर ना इसका बहुत इंटरेस्टिंग लगा, पर्सनालिटी एंड सोशल डेवलपमेंट। तो मैं सोच रही हूँ मैं अपना केस स्टडी, मतलब जो मेरा रह गया उसको मैं छोड़ के ना पहले ये वाला चैप्टर पढ़ लूँ। मतलब इतनी क्यूरियोसिटी होती है मुझे ये पढ़ने की कि इसमें क्या लिखा होगा, कैसे सोशल डेवलपमेंट होगी, पर्सनैलिटी में कैसे चेंज ला सकते हैं। अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग है, तो ना मैं पहले ये पढ़ लेती हूँ फिर मैं अपने केस स्टडी को करूँगी। भी अच्छी लग रही है मुझे साइकोलॉजी फॉर लिविंग, सोच रही हूँ इसको इशू करा लूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी ना, पर्सनैलिटी एंड सोशल डेवलपमेंट, इसका सेकंड चैप्टर है। तो मैंने इसके आगे चैप्टर देखे, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैं आप लोगों को ना इसका थर्ड चैप्टर दिखाती हूँ, जो कि है मोटिवेशन एंड इमोशन के बारे में। मतलब आप लोगों के हमें क्यों दिखा रही है, लेकिन काफ़ी अच्छा। मतलब एक इंसान की पर्सनैलिटी के सारे डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं, तो साइकोलॉजी इंसान की कैसे होनी चाहिए। अच्छा, ये वाला चैप्टर इसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, स्ट्रेस के। अब ये देखें आप लोग, इसकी आउटलाइन देखें आप लोग कि स्ट्रेस का, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, और हाउ डू यू रिएक्ट टू स्ट्रेस। ऑब्वियसली लोग जो है वो पैनिक हो जाते हैं जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है। मतलब बाई चांस मुझे नज़र आ गई लाइब्रेरी में ना। अच्छा, ये देखें, बींग पार्ट ऑफ अ ग्रुप, ये भी अच्छा चैप्टर होगा। टाइम का इशू है, नहीं तो मैं ये वाले चैप्टर्स पढ़ती। मतलब इस तरह की जो सोशल साइंसेस की बुक्स होती हैं ना, तो मैं ये होता है कि इंसान की अपनी डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, उसको बहुत सारी चीज़ों का, डिफरेंट एस्पेक्ट्स का पता चलता है। किसी ने इस बुक को इतना पढ़ा है कि बेचारी फटी गई है। अच्छा, तो ये देखें आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। इसको मैंने पढ़ा तो यहाँ पे था कि एक इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर ना, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिहाज से ना, उसकी ईगो के बारे में बात हुई है। सबसे पहले आईडी होती है, फिर ईगो और सुपर ईगो। ये मैंने यहाँ साइड पे लिख भी दिया है मुझे ज़्यादा चीज़ें मैं पढ़ रही होती हूँ, तो मैं कोई ना कोई चीज़ें ना बुक्स की साइड पर इस तरह लिखती रहती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर उन्होंने डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंसान के अनकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, उसमें उसकी आईडी, मतलब आईडी से बिलोंग करता है, लेकिन जब वो प्री कॉन्शियस में होता ना, तो फिर ईगो और सुपर ईगो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर आ जाते हैं। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, लेकिन भाई सुपर ईगो भी कोई चीज़ होती है। खैर, काफ़ी मज़े की और इंटरेस्टिंग बुक है, इसमें इस तरह से बताया गया, मैंने आप लोगों को कहा था, मैं पढ़ के मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन दी हुई है, तो उस इंसान के बारे में किसी भी इंसान को एज एग्जांपल लेके बताया गया, और फिर ये बताया गया अगर आपका पर्सपेक्टिव होगा तो आप किस तरीके से उसके अंदर जो है ना रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इन्होंने ना इसकी कैन की एग्जाम्पल देखे, ये देखें मैंने इसको पढ़ाया अभी, कैन की एग्जाम्पल देखे तो बताया हुआ कि उसने बड़ी प्रेस्टीजियस जो है कॉलेज से पढ़ा, और फिर उसके साथ
ऐसे उसकी पर्सनैलिटी थी, फिर उसका था ओह अल्लाह मैं आप लोगों को क्या एक्सप्लेन किया जा रही हूँ बार बार, आप लोग कहेंगे ये हमें क्यों पढ़ाना शुरू हो गए, अच्छी चीज़ों को जो है ना वो लोगों तक पहुँचाना चाहिए। तो मुझे ये बुक काफ़ी अच्छी लगी, और अगर आप लोग भी कहीं से इस बुक को परचेज़ करके पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, और बहुत बहुत मज़े की है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मतलब इसमें यह है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी काफ़ी ग्रूम होती है जब आप इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ते हैं, और लाइब्रेरी का माहौल कुछ इस तरह से है कि सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, और मैं भी ये जो है, लेकिन खैर मुझे टेंशन हो गई कि मैंने अभी तक ए स्टडी को नहीं किया है जो कि मुझे कर लेना चाहिए, ये ना हो क्लास में फिर सर मुझे कहीं आप के एक्सप्लेन करें और मैं कहूँ मैं तो साइकोलॉजी पढ़ के आई हूँ, मेरे से इसके बारे में पूछ लें। सुपर ईगो एक न्यू टर्म है, वाला स्केल है, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ इसके बारे में। तो बस ये लास्ट है, इस फिर हम इस बुक के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो इसमें ना ये स्केल स्ट्रेस की स्केल को एक्सप्लेन किया हुआ बेसिकली। तो इसमें ना ये देखें, पहला ये है कि अनेबल टू कंट्रोल द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। मतलब एक इंसान है तो क्या वो अपनी जो उसकी लाइफ है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो खुद कंट्रोल कर सकता है, या फिर वो एबल है इसके या अनेबल है, कंट्रोल कर सकता है या नहीं कर सकता। अच्छा, जो सेकेंड है ना, सेकेंड ऑप्शन तो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें लिखा हुआ है कॉन्फिडेंट, मतलब बी ऑप्शन देखकर उन्होंने बोला हुआ है कि कॉन्फिडेंट अबाउट योर एबिलिटी टू हैंडल योर पर्सनल प्रॉब्लम्स। मतलब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को खुद से टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। मतलब उन्होंने फिर आगे बताया हुआ है कि वेरी ऑफन, फेयरली ऑफन, सम टाइम, ऑलमोस्ट नेवर। मतलब आपका लेवल क्या है, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि खुद से हैंडल कर सकूँ, तो मैं बोलूँगी सम टाइम्स। मतलब कभी कभी तो मुझे, हाँ सम टाइम्स बोलूँगी मैं अपने, अगर अपने स्केल की बात करूँ, क्योंकि मुझे, मैं अपनी फैमिली से इतनी ज़्यादा अटैच हूँ कि मैं जब तक उनको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बताना दूँ तो मुझे जो है ना वो सुकून नहीं आता। तो मैं इसको जो है ना सम टाइम्स बोलूँगी। अच्छा, और भी ना बहुत आगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन आप लोग भी ना इस तरह अपनी पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर कि भाई आपकी पर्सनालिटी में स्ट्रेस का स्केल क्या है, कि आप अपनी चीज़ों को खुद से हैंडल कर सकते हैं या आपको किसी की ज़रूरत होती है। मतलब जो गर्ल्स होती हैं ना वो ख़ासतौर पे अटैच होती हैं, जिस तरह की उनकी, हम जिस तरह की मशरक़ की लड़की हैं, मतलब हमारी फैमिली से हमारी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग होती है, हम अपनी हर प्रॉब्लम्स को अपने घर वालों से शेयर कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारी नहीं, ऑलमोस्ट मुझे तो लगता है सब लोग इस तरह ही होते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स अपने घर वालों से शेयर करते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वो अपनी बातें किसी को नहीं बताते हैं। हाँ, मुझे ये लगता है स्ट्रेंजर्स से आपको कोई बात नहीं करनी चाहिए, जिनको आप नहीं जानते उनसे आपको कोई भी बात शेयर नहीं करनी चाहिए किसी सूरत में भी, लेकिन इन फैमिली से आपको कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जिस तरह मदर और उनसे तो आपको कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए, चाहे वो किस तरह की भी हो। आप लोग बोलेंगे ये क्यों हमें बुक के बारे में बता रही है बार बार, या क्यों हमें ये ज्ञान दे रही है मुफ्त का। चलें खैर, अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगी, अब बाकी जो है ना मैं अपना नॉलेज जो मैं पढ़ रही हूँ बस अपने तक ही रखूँगी, आप लोगों को नहीं बताऊँगी। मतलब आप लोग नहीं सुनना चाह रहे होंगे, जाहिर सी बात है, आप हम बहुत सारे लोग कोई भी ब्लॉग देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं ना, अगर उसमें भी पढ़ाई की बातें होने लग जाएंगी तो हमें मज़ा कैसे आएगा, है ना। तो हम जनता माफ़ नहीं करेगी, हमें तो ये सब नहीं देखना है। तो चलें मैं बंद कर देती हूँ, मैं और बोलती रहूँगी तो मैं इसी तरह की बातें करती रहूँगी जिससे आप और ज़्यादा बोर हो जाएंगे। लड़कियों को देखा था, लेकिन ये दोनों लड़के ना पागल हो गए,
इतनी गर्मी है, इन लोगों को पता नहीं क्या पत्थर में पत्थर मारी जा रहे हैं। आसपास की आवाम बेचारी बैठी परेशान हो रही है, इनको मना करिए ना करो ना करो, लेकिन ये मना ही नहीं हो रहे। ये देखो, एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, इसको केसो केसो पत्थर पे पत्थर फेंक रहे हैं और इनको एक भी आम तब से नहीं मिला। बस बेचारे यही काम कर रहे हैं। मुझे उन पर इतना गुस्सा आ रहा है, मुझे लग रहा है फर्स्ट सेमेस्टर है। दूसरा दोस्त उसका कह रहा है चलो दूसरे पेड़ पे ट्राई करते हैं, तो अब ये शायद ना किसी और दरख्त की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, तो अभी हमारी हो रही है क्या बोलते हैं इसको, बिरयानी पार्टी। ये जो राइट वाली बंदी है ये बिरयानी लेकर आई हैं, तो अभी हम लोग बिरयानी खा रहे हैं। लेक्चर से पहले खाने लगे हैं। अभी का सीन ये है कि क्लास में जो है ना, ये मैडम खड़ी होकर सर की बुराइयां शुरू कर दी है। किसी को क्या बताऊं कौन से सर के बारे में बात कर रहे हैं। वो लाता बात है, सबको पता है स्ट्रेटेजिक फाइनेंस हम पढ़ रहे हैं। डिपार्टमेंट में एक ही मशहूर टीचर है। अच्छा, तो ये सर की ना बुराइयां कर रही है, तब से मैंने सोचा अब इसको चुप कराया जाए। मैंने जो ही मैंने कैमरा उठाया सारे चुप हो गए हैं। वाह क्या सीन है। और मुझे कह रहे तुम वीडियो बना रही हो, मतलब जैसे सर के पास पहुंच जाएगी। खैर ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कैरी ऑन एंटरटेन करो तुम बाकी सारों को। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। खैर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बस अभी यही सीन है। ये देखें, इंटरटेनमेंट के लिए रखी हुई है हमने एक बंदी जो कि पूरी क्लास को करी एंटरटेन। आप लोगों को मजा आ रहा है? बस एक ही बंदी बोल रही है, उसको डर लग रहा है ये वीडियो भी सर के पास ना पहुंच जाए। नहीं होता आता है, हमें भी नहीं होता आगे है कि आप लोग फलाने रूम में आ जाएं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। हाँ हाँ चलो चलो जाओ जाओ। हाँ अभी हमारे लेक्चर का ध्यान से इक रहा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इधर। हाँ चलो चलो सारे। अच्छा तो हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम में आ गए और यहाँ पे पहले से ही कुछ चल रहा है। डन विद द डे, हमारा लेक्चर हो गया ख़त्म। अभी हम लोग अपने घर जा रहे हैं और ये हैं कुछ डिपार्टमेंट के नज़ारे। शाम हो गई है, लोगों का घर जाने को दिल नहीं चाह रहा, पता नहीं क्यों। इकरा अपनी अम्ब्रेला खोलो, कब काम आएगी, कौन से जमाने में काम आएगी आपकी अम्ब्रेला, बारबी वाली अम्ब्रेला। ये आप लोग इसके अम्ब्रेला चेक कर सकते हैं, बारबी वाली अम्ब्रेला इसके पास। बींग अ स्ट्रेटेजिक फाइनेंस स्टूडेंट, आपने बारबी वाली अम्ब्रेला क्यों रखी हुई है अपने पास। जी तो हम लोग सबसे पहले पहुंच गए हैं भागम दौड़ी में, जल्दी के हम पॉइंट लेंगे। और यार हम सबसे पहले ही आए हैं, सबसे पहले आए हैं। ये क्या है, एक दो लड़कियाँ पहले चली गई होंगी बस क्लास में से निकल के।